अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं और आपने हमारा एक वीडियो देखा हुआ है जिसका नाम है बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, तो ये उसकी एक एडवांस सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने उस वीडियो को बहुत अच्छा वायरल लेवल पे उस वीडियो को देखा गया, बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, लोग और डिटेल में सीखना चाहते हैं कि बिना पैसे के प्रॉपर्टीज कैसे बनाएं। तो ये वीडियो अगर आप एक बिल्डर है, एक डेवलपर, एक मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, एक इन्वेस्टर है या एक रियल एस्टेट एंथुजियास्ट है, और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में हर व्यक्ति कभी ना कभी तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट जरूर करता है, या तो घर के लिए करता है, या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से करता है, या तो रेंटल इनकम के लिए करता है, तो हर व्यक्ति के लिए वीडियो बहुत काम का है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ सके। 5 इजी स्टेप्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिन 5 स्टेप्स में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रियल एस्टेट में प्लॉट खरीद सकते हैं बिना पैसे के। हाँ, बिना पैसे लगाए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसे समझना बहुत जरूरी है। आपको इस वीडियो में यह बताना चाहता हूं कि कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर वो ठान ले तो मेहनत करके, देखिए बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, या तो एफर्ट लगेगी या तो पैसा लगेगा। अगर आपके पास पैसा है तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दीजिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है या पैसा है भी पर आप अपना पैसा नहीं लगाना चाहते और आप अपने टैलेंट से प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले कि एक प्लॉट आप अपनी लाइफ में कैसे बना सकते हैं बिना पैसे लगाए। और अगर आपने अच्छे एफर्ट लगाए, इस पूरे वीडियो को ठीक से समझा, तो आप ये कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ये लाइव केस स्टडी पे बेस्ड है, ये बहुत सारे हमारे टीम में काम करने वाले बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हैं, जो रिसर्च हमने की उसमें उन्होंने ऐसे प्रॉपर्टीज बनाई हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे लोग ऑलरेडी हमारे साथ हमारी टीम्स में काम भी करते हैं, वो क्या करते हैं कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप एक आईटी एम्प्लॉई है, आप एक बिजनेसमैन है, मैंने कहा कि अगर आप अपना पैसा बचाकर अपने टैलेंट से प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो भी बन सकती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप हिम्मत करके प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा रखते हैं, तो ये भी काम आने वाला है। लेकिन अगर पैसा है भी और आपने सही एफर्ट लगाए तो भी ये पॉसिबल है। स्टेप नंबर 1, डू प्रॉपर रिसर्च अबाउट लेआउट। अब सबसे पहला काम आपका ये है कि सैटरडे संडे जब भी आपको समय मिलता है, पहले अपने एरिया के आसपास के कुछ अच्छे लेआउट्स में चाहिए। हाँ, अच्छे लेआउट्स का मतलब होता है जो टाइटल क्लियर हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट सैंक्शनड हो, हर तरह की लोन फैसिलिटी नेशनलाइज्ड बैंक प्राइवेट बैंक से अवेलेबल हो, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा हो, मतलब रोड, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरी फैसिलिटीज़ वहाँ अच्छे से अवेलेबल हो, गार्डन डेवलप्ड हो, पूरी तरह से लोकल बॉडी से, सैंक्शनिंग अथॉरिटी से सैंक्शन डेवलप्ड प्रोजेक्ट। कम से कम ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स देखिए। जब आपको ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स देखने के बाद टॉप 2 प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कीजिए, उसमें से किसी एक प्रोजेक्ट में ये डिसाइड कर लीजिए जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसका कंपनी की हिस्ट्री अच्छी हो, जिसके प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स अच्छे हो, जिसने कमिटमेंट्स इन 5 अच्छे निभाए हो, ऐसे डेवलपर को सेलेक्ट कीजिए। अब वहाँ जाकर जो प्लॉट आपको सबसे अच्छा लगे, थोड़े एवरेज साइज़ का, मैं बहुत बड़ा प्लॉट बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर वहाँ 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 फुट तक के प्लॉट है, तो आप 1000 से 1200 फुट का प्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए। अब वहाँ का जो भी बुकिंग का अमाउंट हो, 11000, 21000, 51000, वो अमाउंट दे दीजिए और वो प्लॉट को बुक कर लीजिए। अब आपने कहा सर आप तो बोले थे बिना पैसे के हो जाएगा, बिल्कुल होगा, पूरा एंड तक तो देखिए। अब आपने 11000 या 21000 या 51000 देके टोकन देके प्लॉट नंबर 15 मान लीजिए बुक कर लिया किसी लेआउट के अंदर। अब जैसे ही आपने टोकन अमाउंट दे दिया, वहाँ से आपको 1-2 महीने मिलेंगे, 15 दिन मिलेंगे एग्रीमेंट करने के लिए। अब जब आपने पूरी रिसर्च कर लिया उस लेआउट की खरीदने के पहले, तो अब आपको स्टेप नंबर 2 पे आना है, बुक अ प्लॉट विद टोकन अमाउंट। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने एक टोकन अमाउंट दिया और उस प्लॉट को बुक कर लिया, इसका मतलब आप लीगल तरीके पे एक रिसिप्ट लेने के बाद अब उस प्लॉट के ओनर है। अगले 15 दिन 20 दिन 25 दिन अगर आप 2 महीना में तब तक एग्रीमेंट नहीं करते, तब तक का समय आपको मिलेगा, आपको एग्रीमेंट करना है उस प्लॉट का, तो आप उसके रजिस्टर्ड ओनर भी बन जाएंगे। आप चाहते हैं तो नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लीजिए, चाहते हैं तो प्राइवेट बैंक से लोन, लेकिन आपको लोन तो लेना नहीं है, आपको करना क्या है आप समझिए। अब आपको अप्रोच करना है स्टेप नंबर 3 में, अप्रोच द डेवलपर फॉर वर्किंग। अब आपको पता है कि आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे, मैंने क्या कहा था, पैसे नहीं लगाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगानी पड़ेगी, ये उतना भी इजी नहीं है, ये केक वॉक नहीं है, मेहनत है, एफर्ट है, तो ये हो सकता है। कई लोगों ने किया है, हमारी टीम में करते हैं, बहुत सारी सिटीज में लोग करते हैं, आपको नीचे ही कमेंट मिल जाएंगे जब लोग बताएंगे हाँ ये स्ट्रैटेजी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे फादर बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कमेंट हमारे वीडियोज़ में आते हैं, मेरे दोस्त ने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की है। अब स्टेप नंबर 3 जो है, अप्रोच द डेवलपर फॉर वर्किंग। अब एक डेवलपर के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उसी का क्लाइंट अब उसके लिए काम करने को रेडी, एज अ रेफरल पार्टनर, एज अ चैनल पार्टनर। अगर आपको लगता है कि एक 1200 फुट का प्लॉट 1000 या 1200 रुपए के रेट से 12 या 14 लाख रुपए का होगा आजू बाजू के एरिया में, जिस सिटी में भी आप रहते हैं, तो आपने कैलकुलेट किया कि मैं इस बिल्डर से बात करूँ कि अगर मैं आपके और 10 प्लॉट मेरे दोस्तों को
मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, या मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैं किसी को भी बेचूं, किसी के साथ भी ट्रांजेक्शन करूं, 8-10 प्लॉट और बिकवा सकता हूं, मुझे क्या पैसा मिलेगा एज अ कमीशन, एज एन इंसेंटिव? ध्यान से सुनिए। अब उससे ऐसा लगा कि यार एक व्यक्ति जिसने मुझे ट्रस्ट किया, जिसने मेरा प्रोडक्ट खरीद चुका है, अब वही व्यक्ति मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने आपको एक्सपर्ट बता दिया कि भाई हम 100 रुपये पर प्लॉट पे देते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, या कुछ 2% 5% जो भी उसका अमाउंट हो, 5% देते हैं। तो आपको पता चला कि अगर आप एक एवरेजन 1200 से 1500 फुट का प्लॉट बिकवाते हैं तो आपको 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट मिल सकता है, या 75,000 भी हो सकता है। अब जब आपने कैलकुलेट कर लिया कि अगर मैं 10 से 12 प्लॉट अगले 6 महीने 1 साल में सेल कर देता हूं तो मुझे मेरा प्लॉट जो है वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, मुझे पैसे लगाने नहीं, और जो टोकन अमाउंट मैंने दिया था 11, 21, 51 का वो भी वापस आ जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्फिडेंस की लेवल शो करनी पड़ेगी बिल्डर के सामने। आपको अंदर से वो महसूस होना चाहिए कि आप उसके साथ काम करके एज अ रेफरल पार्टनर इतने प्लॉट्स बेच सकते हैं। आपने अपनी एक्टिविटी शुरू की, अब आपके करीबी दो दोस्त बोलिए, या फ्रेंड्स बोलिए, या रिलेटिव्स बोलिए, या कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है जिन्होंने कभी पूछा था कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है। अब क्योंकि आप रिसर्च कर चुके हो तो उसकी रिसर्च करने का टाइम बच गया, आपने टॉप ऑफ द टॉप 10 प्रोजेक्ट देखे, उसमें से 2 को फिल्टर किया, 2 में से फाइनल किसी एक में फाइनल किया, उसका रिकॉर्ड देखा, ये सब देख के जब आपने डिसीजन लिया तो किसी भी व्यक्ति को जब आप बताएंगे कि मेरा भी प्लॉट नंबर 15 है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट भी देखे, डेवलपमेंट देखा, तो उसका ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने 2-3 प्लॉट भी बुक किए तो 2-4 लाख रुपये का अमाउंट आपका फिक्स हो गया। इसका मतलब आप बिल्डर आपको बहुत फोर्स भी नहीं करने वाला कि तुरंत एग्रीमेंट करो, उसे दिख रहा है कि आप रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि आप बोलेंगे सर बिल्डर को तो मुझे 12-15 लाख मेरे प्लॉट के बदले भी देने, और अगर मैं मान लीजिए 3 ही प्लॉट बेच पाया 3 महीने या 6 महीने में तो फिर मेरा प्लॉट फ्री कैसे हुआ। तो जब आप वर्क करते हैं आपकी साइट विजिट्स होती है, और जब जाकर मैंने ये नहीं कहा कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, आप एज अ रेफरल पार्टनर भी काम कर सकते हैं। बिल्डर के एम्प्लॉयज आपको हेल्प करते हैं क्लोजिंग करने में, विजिट कराने में, अगर आप सही तरीके से उन्हें रेफरल देते हैं तो, और अगर आप थोड़ा समय सैटरडे संडे निकाल पाते हैं तो भी आप इस बिजनेस को साथ साथ में कर सकते हैं, 2 से 4 घंटा सैटरडे संडे देकर, अगर आपके पास सैटरडे संडे थोड़ा समय निकलता है तो। क्योंकि रियल स्टेट का बिजनेस मैक्सिमम क्लोजिंग, मैक्सिमम साइट विजिट सैटरडे संडे को ज्यादा होती है। हाँ, आपको मंडे टू फ्राइडे एफर्ट जरूर लगानी पड़ती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेप नंबर 4, कंप्लीट द सेलिंग टारगेट। अब जब आपने डिसाइड कर लिया आपके मन में कि आपको 8 से 10 प्लॉट अगर उस लेआउट में सेल करना है तो आपका प्लॉट फ्री हो सकता है, तो उस टारगेट के पीछे लगकर आपको अगले 6 महीने 1 साल में जब तक अभी टाइम पीरियड आपको मिला पूरा डेवलप्ड होने का, लेआउट को पूरे पैसे देने का, अगर आप ये ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो धीरे धीरे बिल्डर के लिए बहुत खुशी की बात है कि उसे आपको डायरेक्टली पैसे भी नहीं देने हैं, उसका एक और प्लॉट भी बिक गया और उसको साथ में अच्छे क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं। दोस्तों मैं ये जानता हूँ कि पूरे भारत में 10-20% टोटल जितनी भी सेलिंग्स होती है उसमें 10-20% की सेलिंग ये रिसर्च बेस्ड आपको बताऊँ रेफरेंस बेसिस पे होती है। ये रेफरेंस कौन देता है? वही कस्टमर जो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, जब उन्हें अच्छा लगता है तो लोगों को रेफर करते हैं। कुछ बिल्डर्स के डायरेक्ट रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं, चैनल पार्टनर प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ उन्हें बेनिफिट हो जाता है। कभी कभी उन्हें बहुत अच्छा लगता है तो वो फ्री में रेफर कर देते हैं। स्टेप नंबर 5, इंस्टेड ऑफ इंसेंटिव डू रजिस्ट्री ऑफ योर प्लॉट। अब जब आपको आखिरी में 2 अपॉर्चुनिटीज है कि या तो जो प्लॉट्स आपने बेचे मेहनत करके एफर्ट लगा के उसके बदले में इंसेंटिव ले लीजिए, कमीशन ले लीजिए, या उसे बोल दीजिए कि इसके बदले में मुझे रजिस्ट्री लगा दीजिए। अब अगर आपने ये पूरे 5 स्टेप्स को ठीक से फॉलो कर लिया तो आपने देखा आपने स्टार्टिंग में 11,000, 21,000, 51,000 से टोकन अमाउंट दिया, और अगर आपने उतने प्लॉट जितना टोटल पैसा लग रहा था उस प्लॉट की रजिस्ट्री करने के लिए उतना इंसेंटिव भी बना लिया मेहनत करके, तब जाकर ही आप बिना पैसे लगाए भी उस प्लॉट की रजिस्ट्री कर सकते हैं। बिल्डर खुश, उसके लिए विन विन सिचुएशन है कि मुझे एक प्लॉट भी चला गया, उसके बदले में मेरे 10 प्लॉट और बिक गए, जो कैश में उसे इंसेंटिव देना था उसके बदले उसका प्रोडक्ट चला गया। क्योंकि बिल्डर को तो एज अ डेवलपर, अगर मान लीजिए मैं 12-15 लाख का प्लॉट आपको बेच रहा हूँ तो 2-4-5 लाख मेरी भी तो कमाई है, तो वो 5 लाख का तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना। मतलब उसके घर में उसे प्लॉट अगर 9-10 लाख का पड़ा और आपको 15 लाख का बेच रहा है तो आपको तो उसे टोटल 15 लाख के बदले में इंसेंटिव को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए विन विन सिचुएशन है। जो भी व्यक्ति रियल एस्टेट को थोड़ा भी डिटेल में जानता है आप समझ सकते हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेबल स्टेप्स है। मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी ये स्टेप्स से आप अपना प्लॉट बना सकते हैं। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, समझिए, तभी आप समझ पाएंगे इस प्रोसेस को कि कैसे रियल स्टेट में आप बिना पैसे के भी अपना प्लॉट बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लोगों तक शेयर कीजिए, ऐसा वीडियो पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक पे हमारे वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए, और अगर आपको ट्रेनिंग कोचिंग की जरूरत हो तो आप हमारे हॉटलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करने के लिए धन्यवाद।